नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ईशान किशन के डबल सेंचुरी से रिलेटेड कुछ दिलचस्प बातें। जी हाँ दोस्तों, ईशान किशन ने अपने एक इंटरव्यू में विराट कोहली के साथ हुई कुछ दिलचस्प बातचीत का खुलासा किया। जी हाँ दोस्तों, ईशान ने सोनी स्पोर्ट्स पर कहा, जब मैं 197 पे था तो मुझे लग रहा था कि मुस्तफिजुर एक स्लो डालेगा और मैं आगे बढ़कर छक्का मार दूंगा। मुझे इस सीरीज में एक मैच में मौका मिला था और मैं यह अवसर खोना नहीं चाहता था। ऐसे में उन्होंने विराट को बोला, भैया प्लीज़ मेरे को मेरे कहना कि सिंगल ले ले वरना मैं उड़ा दूंगा। ईशान ने जब 200 का आंकड़ा छुआ तो उन्होंने उत्साह में बल्ला घुमाया जो कि कोहली के पास से होकर गुजरा। किशन ने खुलासा किया कि उन्हें पता नहीं था कि उसके आसपास क्या हो रहा, और क्योंकि वो काफ़ी जोश में थे। ईशान ने कहा, भैया मुझे याद दिला रहे थे कि सिंगल लेना है, लेकिन फिर भी खुशी में मैंने नहीं देखा कि कौन है और कौन कहाँ है। विराट भाई मेरे पीछे थे तो उन्होंने बोला कि बल्ला कहीं तू मुझे ना मार दे। तो इस तरह की दिलचस्प बातचीत हुई थी इस मैच के दौरान, जिसमें काफ़ी रिकॉर्ड्स बने थे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।